जी अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो जी बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आज ज्वाइन करने के लिए आई अंडरस्टैंड के पेंडेमिक है और गर्मी भी है तो काफ़ी मुश्किल होगा आप लोगों के लिए आना लेकिन बात यही होती है कि आप कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं आपका पर्पस क्या है तो अगर पर्पस बड़ा हो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो इंसान जगह भी लड़ जाता है इंसान चांद पर भी चला ही जाता है तो ऐसे बहुत सारे काम जो बज़ाहिर नामुमकिन लगते हैं इंसान वो भी कर ही जाता है अगर सेंस ऑफ पर्पज़ हो उसको पता हो कि वो क्या कह रहा है तो अभी पिछले दिनों एक सेरेमनी थी जिसमें जो फेसबुक के सी हैं मार्क जकरबर्ग उनको एज़ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया गया था उनको एजाजी डिग्री दी गई थी तो इन स्पीच ही नरेटेड एन इंसिडेंस जो कि जॉन ऑफ कैंडी जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के उनका एक वाक्य कोट किया कि के मिस्टर कैंडी एक जगह से जा रहे थे नासा के सेंटर में तो वहाँ पे एक जेनेटर था सो मिस्टर कैंडी आस्ट के व्हाट डू यू डू क्या करते हो भाई तुम तो उस जेनेटर ने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ सफाई करता हूँ मैं यहाँ वर्क करता हूँ मैं ये करता हूँ मैं यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैं यहाँ फ्रंट एंड डिवेलपर हूँ टोल्ड नथिंग लाइक दैट ही सेड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प ह्यूमन बींग बी ऑन मून एक बिगर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है एक बिगर परपज़ है जिसके लिए सब मिल के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अब कोई सी है कोई सी है कोई नासा का इंजीनियर है कोई वेब डेवलपर है ऐट दैट टाइम दीज थिंग्स डज नॉट मैटर एट दैट टाइम वट डज मैटर कि आप एक बिगर परपज़ के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं और उसमें सबका इनपुट चाहिए होता है तो फॉर मी बींग फाउंडर एंड सी ई ओ ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑल ऑफ यू बिलीव मी ऑल ऑफ यू आर इक्वली इम्पॉर्टेंट मेरे लिए आ, मेरे को फाउंडर्स जिन्होंने मेरे साथ मिलकर ये जर्नी स्टार्ट किया आज जिन लोगों के पास डेजिगनेशनस हैं और वो लोग जो अभी जिनका शायद इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिर्फ सत्तर दिन का जर्नी है आई कीप सेंग इट सत्तर दिन बिकॉज ये जो आपका इंटर्नशिप साइकिल था सेवनटी डेज़ का ये आपको सत्तर दिन जिंदगी भर याद रहेंगे ये मेरी तरफ से गारंटी है आप बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे बड़े अच्छे अच्छे काम करेंगे आप में से लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे आप में से कुछ लोग एक्डेमिया को ज्वाइन करेंगे कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे कुछ अपना बिजनेस करेंगे कुछ ऑन्ट्रप्रोर बनेंगे बट वट एवर यू विल डू इनशाला यू विल रिमेंबर दिस सेवेंटी डेज पर आप सब इम्पॉर्टेंट हैं ये बात आप लोगों ने जे नशीन रखनी है क्यों क्योंकि तभी आपको वो बिगर सेंस ऑफ पर्पज़ मिलता है खास तौर पे वंस अगेन बहुत शुक्रिया ऐूब साहब उमैर साहब और अकब साहब का ये लोग अपने बिजी टाइम में से टाइम निकाल के आए हैं एंड दे लिटरली प्रूव्ड दैट फिलॉसफी ऑफ शाहरुट टेक्नोलॉजीज़ ऑफ़ क्रिएटिंग इम्पैक्ट कि जी इम्पैक्ट क्रिएट होता है लोग वापस आते हैं वरना हमारे यहाँ नॉर्मली क्या है कि कोई भी इदारा बच्चों को पढ़ा देता है पढ़ने के बाद बच्चे मुड़ के नहीं देखते कोई भी इारा बच्चों को इंटर्नशिप करवा देता है उसके बाद बच्चे मुड़ के नहीं देखते बट दीज़ आर द गाइज हु प्रूव दैट थिंग रॉन्ग उन्होंने कह नहीं इन्होंने वो चीज़ साबित की है जो कुरान का फरमाना है और जो हज़रतली का कौल भी है कि हल जज़ा लहसान उसान कि एहसान का बदला एहसान के अलावा और कुछ नहीं है सो एट दैट टाइम देवर क्वाइट देवर इन आ फेज़ के जहाँ इन्हें गाइडेंस चाहिए थी जहाँ इन्हें रिसोर्स चाहिए थे एंड बट एवर वी हैड आई एम नोट सेग देट वी वर सो रीच एट दैट टाइम एंड वी आर नॉट इवन एट द मोमेंट लेकिन वट एवर वी हैड ठीक है इसमें एक छोटा सा वाक़ हम रेफ़र करते हैं आपको याद होगा कि इस्लाम का जो पहला गजवा था नाम बताएगा मुझे गजवा बदर तो गजवा बदर से रिलेटेड एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि नबी करीम ने जब जहाद का ऐलान फरमाया तो कहा कि जी माले वो सारा माल चाहिए जो जहाद में चाहिए होगा तो एक वाक्य आप लोगों ने बड़ा सुना होगा कि हजदब्कर सिद्दीक अपने घर का सारा सामान ले आए ये चीज़ आपने सुनी कभी आपको किसी ने यह बताया कि उसकी मनी वैल्यू क्या थी वो कितने लाख दिरहम या कितने लाख रियाल थे नो नो वन नोस एन मुमकिन है आई एम नॉट श्योर कि वो सिर्फ दस रियाल हो, या वो सिर्फ दस दिरहम हो बट वट इट वॉज ऑल ही हैड हंड्रेड परसेंट कहा यह जाता है हदीस की किताबों में कि अगर आप उस वक्त बकर बकरीक के घर की सफ़ाई करते तो आपको एक सुई तक भी ना मिलती सब कुछ ले आए थे तो यही एग्जैक्ट फ़लसफा यही इस्लामी तालीमात यही हमारे बुज़ुर्गों की हमारे काबरीन की तालीमात इसी पे ही अमल करते हुए वट एवर वी हैड एट दैट टाइम वीड दैट एंड वट एवर डीज गाइज हैव एट द मोमेंट इनका एक्सपीरियंस इनका टाइम इनका तजर्बा दे आर गिविंग दैट बैक तो इनका रोल अब एग्जैक्ट वही है जो उस वक्त पे हमारा रोल था इस फलसफे को समझने थोड़ा बारीक है बट आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं सारे मुझे लग रहा है कि आप समझ जाएंगे तो इस चीज़ को समझना है वेट नहीं करना कि जब आप बिल गेट्स बन जाएंगे तो तब आप फलनथ्रापी करेंगे या तब आप माशरे को गिव बैक करना शुरू करेंगे नहीं बट एवर यू हैव टू डे स्टार्ट गिविंग दैट इस्लाम में एक ज़कवात का तस्वूर है एक पर्टिकुलर निसाब होता है ज़कात का जो कि बहुत थोड़ा सा ही होता है और उसके बाद क्या होता है कि उसका ढाई फ़ीसद कोई आपको अब ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा ही दे, दे दें जक़ात में लेकिन ढाई फ़ीसद वो है जो फ़र्ज़ है उससे कम पे तो बात ही नहीं होगी तो सर वक्त की भी ज़कात होती है टैलेंट की भी ज़क़ात होती है इल्म की भी ज़क़ात होती है स्किल की भी ज़क़ात होती है आपके लेयर टाइम की भी जक़ात होती है आपके मी टाइम की भी ज़क़ात होती है एक होता है ना ये मेरा मी टाइम है ये बस मैंने अपने आप पे लगाना है मैंने इसमें गाने गाने हैं मैंने इसमें जनाब पोइट्री करनी है मैंने इसमें पेंटिंग करनी है वट एवर यू गाइज वॉन डू आपके उस मी टाइम की भी जक़ात होती है तो इस तरह से सारी चीज़ों को जहन में रख के चलिएगा तो आपको शाहरुख का फ़लसफा आराम से समझ आ जाएगा मेरा नहीं ख्याल बींग सी हो मुझे जर्नी शेयर करने की ज़रूरत है लेकिन थोड़ा सा हसूल बरकत के लिए आप लोगों की मोटिवेशन के लिए बता देता हूँ और मैं गनीमत जान रहा हूँ इस मौके को कि जुनेद भाई मौजूद हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अपने जर्नी के बारे में अलहदिल्ला सुमा अलहमदिल्ला ब्राइट स्टूडेंट रहे अपने ज़माने तालब इलमी में स्कूल में कॉलेज में फ़र्स्ट आते थे एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड था पंजाब यूनिवर्सिटी में बी एस इन्फॉमेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया उसकी एक शायद अहम वजह यह भी थी कि माजिद भाई भी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे माजिद भाई मेरे बड़े भाई हैं तो मैंने सोचा कि चले ठीक है दोनों भाई एक ही जगह आराम से ज़रा ईज़ी हो जाएगा अदरवाइज़ आई गॉट एडमिशन इन यू ई टी और बाकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं अलमद ला वो तो वो भी हो गया लेकिन आई चोज़ पी यू सी आई टी जस्ट बिकॉज ऑफ़ दिस पर्टिकुलर रीज़न फाइन तो फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छा गुजरा सेकेंड सेमेस्टर में टू माई शॉक मेरा रिज़ल्ट काफ़ी बुरा रहा तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा रिज़ल्ट इतना बुरा आएगा लेकिन समटाइम कुछ बुरा भी किसी अच्छे के लिए होता है तो वो बुरा रिज़ल्ट आया एंड देन वही मैटोर की ज़रूरत पड़ गई अभी आप पूछ रहे थे कि मैंटोर बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में सो so, मैंने अबा से डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए अब एक के एक स्टूडेंट हैं सर अख्तर रफ़ीक जो कि मेरे मैंटोर हैं अभी वो सुन नहीं रहे लेकिन मेरे मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआएं हैं उनके लिए अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सलामती हर चीज़ से नवाजे तो मैं उनके पास गया वो भी अपनी एक छोटी सी आईटी कंपनी चला रहे थे उस टाइम पे अयूब आकेब और ये खास तौर पे आप लोगों के लिए आप लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ के साथ तो उनके पास सॉर्ट ऑफ़ इंटर्नशिप शुरू की मैंने सॉर्ट ऑफ मतलब इनफॉर्मल इंटर्नशिप कि बस ठीक है जाना है उनके पास बैठना है और बैठ के चीज़ें सीखनी है वो कोई फॉर्मल इंटर्नशिप नहीं थी दैट वॉज न रजिस्टर्ड कंपनी एट दैट मोमेंट और वो कुछ तरह से नहीं था कोई फिक्स टाइमिंग नहीं थी लेकिन एक इनफॉर्मल वे में तो देर आई मेट जुनेद भाई जुनेद भाई उस कंपनी में एज पार्टनर काम कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई वक्त के इारे बदलते गए बदलते गए बहुत कुछ चेंज हुआ एंड देन uh, ये जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ ये 2014 की है और 2017 में वन आई सेट एंड आई थॉट के आई शुड बिल्ड माय ऑन कंपनी सो देन आई डिस्कस होल आइडिया विद जुनीद भाई एंड आई हैड हिम एज माय को फाउंडर आई डिस्कस द होल आइडिया विद साद भाई आई गॉट हिम ऑन बोर्डेड एज को फाउंडर I discuss whole idea with my own elder brother. He got him as co-founder. Uh, my Ma Maryam is there. She joined us as co-founder back then. Majid bhai mentioned Taimur. So Taimur Rashid he joined us as co-founder. तो ये छह लोग इन सब लोगों ने as co-founder at that time joined किया. आपको ये बात बताने का मकसद ये है, जैसे मैंने Junaid bhai का बताया कि Junaid bhai को I met there. Saad bhai, Saad bhai मेरा टीचर है। Saad bhai से मैंने object oriented programming पढ़ी. और ख़ुद रिक्वेस्ट करके पढ़ी कि जी आप मेरे से दो साल सीनियर हैं आपको आती होंगी ये सारी चीज़ें आप इंडस्ट्री में जाने वाले हैं अब तकरीबन चले ही गए हैं बाई देट टाइम क्योंकि इन्होंने अपना प्रोफेशनल जर्नी जल्दी स्टार्ट कर लिया था ही गॉड ग्रेजुएटेड आई गेस इन 2015 सो so, इनका वो जर्नी स्टार्ट हो गया था एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में सो so, इन से मैं ऊपर ने गया था ये मेरे टीचर हैं जुनेद भाई उस कंपनी के डायरेक्टर हैं जिस कंपनी में मैं इंटर्नशिप करने गया था एंड नाउ अलहमदिल्ला वही ऑल आर पार्टनर्स आपको समझ आ रही है मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूँ आप लोग भी एक कंपनी में इंटर्नशिप करने आए जिस हैं जिसमें हम लोग फ़िलहाल डायरेक्टर्स हैं जिसमें ये जो आपके सीनियर्स हैं ये एम्प्लॉय के तौर पे भी रह चुके हैं और तो बताने का मकसद बहुत सादा सा है एन मुमकिन है कि आप में से भी कोई कल को कोई नई चीज़ बनाए और वो हमें इनवाइट करे कि सर वुड यू लाइक टू बी को फाउंडर ऑफ माई इनिशिएटिव वो लाइक टू बी डायरेक्टर ऑफ माई कंपनी तो दैट वुड भी समथिंग दैट वुड भी अ मोमेंट जिसको लोग कहते हैं ना दैट्स अ वाव मोमेंट क्या आप एक कंपनी में इंटर्नशिप करने गए थे लेकिन आपने उनके साथ किस लेवल का रिलेशनशिप बिल्ड किया कि आप उनको अपने इनिशिएटिव में इन्वाइट कर रहे हैं अब वो इनविटेशन किसी भी तरह का हो सकता है आप उनको एज मटोर ऑन बोर्ड कर सकते हैं आप उनको एज को फाउंडर ऑन बोर्ड कर सकते हैं एज डायरेक्टर ऑन बोर्ड कर सकते हैं एज एडवाइज़र ऑन बोर्ड कर सकते हैं राइट सो इट्स अप टू यू गाइज बताने का मकसद सिर्फ़ इतना सा था कि ये पॉसिबल है आपके टीचर भी आपके बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं आप जिस कंपनी में इंटर्नशिप करने जाएं उसके डायरेक्टर भी आपके बिज़नेस वेंचर के को फाउंडर हो सकते हैं दिस इज़ पॉसिबल और ये हम किसी मस्क की कहानी नहीं सुना रहे किसी जनाब एलियन की कहानी नहीं सुना रहे ये इसी कमरे की कहानी है माजिद भाई का केस स्टडी डिस्कस करने का पर्टिकुलर मकसद ये था हम लोग सम टाइम एक चीज़ मिस करते हैं वो ये करते हैं चराग तले अंधेरा अपने घर में बात नहीं करते हमारे घर में वो सारे रिसोर्स पड़े होते हैं वो सारे टेक्निकल रिसोर्स सारे पढ़े लिखे लोग वो सब पूरी टीम ना हमारे घर में पाई जाती है लेकिन हम नहीं बात करते सो तो मैंने क्या चेंज किया मैंने घर में बात कर ली मैंने अपने बड़े भाई को कॉन्फिडेंस में ले लिया sister, uh, मैं सिस्टर मैम फोजिया कादरी शी इज़ डायरेक्टर ऑफ फैशनी डॉट पी के जिसमें इन तीनों ने इनिशियली इंटर्नशिप की थी एंड नाउ इंशाल्लाह वी आर गोना टेक अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेम नूर सो इंशाल्लाह शी विल बी डायरेक्टेड देयर एज वेल तो आपको आपके घर से भी लोग मिल जाते हैं आपके घर में भी ऐसे लोग होते हैं जिनका बिज़नेस में एक्सपीरियंस होता है टीचिंग में एक्सपीरियंस होता है रिसर्च में एक्सपीरियंस होता है उनको कभी भी आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना फॉर ग्रांटेड तो खैर लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को नहीं लेना ना ये वाली गलती तो कभी भी नहीं करनी बल्कि क्या कह, कहें इसको एक दफ़ा आई वॉन्ट टू हेयर इट क्या करना है लाइफ में नहीं लेना किसी भी चीज़ को ठीक है और फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं लेना तो अपनी फैमिली में देखें अपने टीचर्स के सर्कल में देखें अपने सीनियर्स के सर्कल में देखें आपको ये लोग मिल जाएंगे बड़े आराम से मिल जाएंगे फिर ये लोग आपको मैंटोर तो करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ मे भी आप उनको कुछ गिव बैक कर सकें राइट तो हमारे एक जब हमने शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ का इनिशिएटिव लिया आ, बैक देन फ्यू ऑफ माय क्लास फेलोज जॉइंट अस अच्छा चलता रहा सब कुछ चीज़ें करते रहे एक एक करके किसी की कहीं जॉब लग गई कोई हायर एजुकेशन में चला गया कोई किधर चला गया कोई किधर चला गया तो एक एक करके लोग कम होते गए फिर क्या हुआ फिर मार्केट में एकदम से आई इंडस्ट्री पे जवाल आया ये आता है हर चार पाँच साल बाद या अगर आप हिस्टोरिक डाटा देखें ना तो ये हर चार पाँच साल बाद आई इंडस्ट्री पर जवाल आता है आप लोगों ने भी इसके लिए मेंटली फ़िजिकली हर तरह से प्रिपेयर रहना है कि एन मुमकिन है आप इंडस्ट्री ज्वाइन करें और तीसरे साल इंडस्ट्री पर जवाल आया हो तो अगर तो आपको चीज़ें आती होंगी तो तब आप सॉर्ट ऑफ सर्वाइव कर जाएंगे जैसे अयुब भाई अभी आपको बता रहे थे आकिब भाई बता रहे थे कि अगर तो आप फ्री लांसिंग कर रहे हैं तो सॉर्ट ऑफ आप सर्वाइव कर जाएंगे नौकरी वाले निकाल भी देंगे आपको सो योर फ्री लांसिंग गिवस यू अ रीज़न टू डू नॉट पैनिक अदरवाइज तो आप पैनिक कर जाएंगे ना फ़ौरन से जॉब वाले जॉब से निकाल देंगे सेविंग हम जैसों की होती कोई नहीं है आम लोग हैं ना हमारी क्योंकि किसी की शुगर मिल तो चल नहीं रही चल रही है वैसे किसी की चल रही है तो बता वैसे ऑन कैमरा तो कोई नहीं बताता है ऐसी बातें तो नहीं चल रही तो एक सेकेंड स्ट्रीम अच्छा जी वो जनाब इंडस्ट्री पर जवाल आया सब लोग चले गए लेकिन जब जवाल आया तो फिर क्या हुआ कि ऑल ऑफ दैम ऑल ऑफ सडन जॉइंट बैक सो शाहरुख वाज देयर टू सपोर्ट दैम हमने उन्हें वंस अगेन स्पेस प्रोवाइड की अपनी मशीन्स प्रोवाइड की अपना इंटरनेट प्रोवाइड किया सो वट एवर वी हैड वी ऑफर डैम अगेन और उनका वो जो दो माह का चार माह का एक क्रशल पीरियड होता है टफ़ पीरियड होता है जिसमें आपको जॉब नहीं मिल रही होती और इंडस्ट्री पर सवाल आया होता है वो उनका शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के साथ गुजरा और उसके बाद फिर वन बाय वन उनकी जॉब्स वगैरह लगनी शुरू हो गई एंड हैं वेंट टू देर ऑन जर्नीस ठीक है जी तो ये एक सपोर्ट थी ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो आपको बैड टाइम में भी सपोर्ट कर सकती है तो ये एक रोल रहा ये एक जर्नी रहा जर्नी में से क्रक्स बस उसका यही है ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे सीखें एन मुमकिन है अयूब भाई कल को कंपनी बनाए अयूब भाई को हायरिंग करनी है तो अयूब भाई ने किसको हायर करना है आप लोगों को ऐसे ही अयूब ठीक है जी आकिब भाई कल को कंपनी बनाए आकिब भाई को को फाउंडर्स चाहिए तो आकिब भाई ने को फाउंडर किस रखना है अयूब को उमेर को उमैर भाई कल को डिज़ाइन एजेंसी बनाए उमेर भाई को डिज़ाइनर्स आएंगे तो कौन जाएगा उनके पास दानियाल जाएगा और फ्रंट एंड के डिज़ाइन के जो लोग हैं जो ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन किया होगा वो लोग जाएंगे सो दैट्स हाउ यू बिल्ड एन इको सिस्टम जी करना और मैं और मैंने किया किया इन्होंने थोड़ा सा टाइम जाने आने कंप्लीट करके भी इसी चीज़ से ऐसे ही है ठीक है जी तो एक केस स्टडी आपके पास ऑलरेडी है एक केस स्टडी मैंने डिस्कस कर दी है केस स्टडी साथ भाई ने बता दी है तो कोशिश करें इस इको सिस्टम से फ़ायदा उठाएं और इस इको सिस्टम को गिव बैक भी करें क्योंकि डेबिट क्रेडिट सिस्टम चलता है पूरी दुनिया में समझते हैं ना सारे कि जब आप कुछ ले लेते हैं तो वो डेबिट हो गई चीज़ जब आप दे देते हैं तो वो क्रेडिट हो जाती है तो वो आपने उस सेंट्रल जो एक सिस्टम है उसमें कंट्रीब्यूट भी करना है और उससे अगर आप लेते भी हैं तो इट्स ओके इट्स परफेक्टली फ़ाइन इसमें कोई मुका नहीं है तो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ अच्छा अच्छा काम करें इम्पैक्ट क्रिएट करें बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के फ्यूचर जर्नी के लिए ट्वेंटी uh, सेवेंटीन के बैच की हम इस तरह से कोई सेरेमनी तो नहीं करवा पाए थे लेकिन उसमें एक चीज़ हुई थी अगर आप लोगों को याद हो फोर्टीथ ऑफ अगस्त को एक छोटी सी सेरेमनी हुई थी तो दे आर माई मॉम जॉइंड इन दैट सेरेमनी तो इन सब लोगों ने तो वो सारी दुआएं लाइव रिसीव कर ली थी अब पता नहीं किसके कितनी काम आई हैं ये मुझे नहीं पता लेकिन लाइव दुआएं इन सबको मिल गई थी तो आप सब लोगों के लिए आज वो ज़िम्मेदारी मॉम ने मेरी लगाई है कि उनकी सारी दुआएं मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं तो दुआएं हैं आप लोगों के लिए हमारी भी हैं और बड़ों की भी हैं मेहनत आपने करनी है और इम्पैक्ट इन हम सब मिल कर क्रिएट करेंगे सो बेस्ट ऑफ लक टू शाहरुख फॉर इट्स जर्नी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू बिकॉज नाउ यू आर शाहरुख Shahru is someone who creates impact. So if you create impact, buddy, you are Shahru. Right? If you create impact, you are Shahru. So best of luck, congratulations, and best wishes for your future.